भी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह और विवादों का पुराना नाता है। उनसे जुड़ी हर बात उनके फैंस जानना चाहते हैं और ऐसी ही दो बातें उनसे जुड़ी हुई हम आपके सामने लेकर आए हैं। पहली तो जब उन पर एक स्टेज शो के दौरान गोलियां चली, गलीमत ये रही कि गोली चलाने वाला प्रोफेशनल किलर नहीं था और ये स्टेज शो तब बिहार में चल रहा था। स्टेज शो पर पवन गाना गाने में मशगूल थे और उनकी ऑडियंस उनके गाने का लुफ्त उठा रही थी। अचानक उसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई और गोली उन्हें छू कर निकल गई। इस हादसे में पवन बाल बाल बच गए, लेकिन बाद में पता चला कि उन पर गोली चलाने वाला शख्स उनकी जान पहचान का ही कोई था। ये थी उन पर गोली चलने की दास्तान। अब उनके जीवन से जुड़ी दूसरी दास्तान के बारे में हम आपको बताते हैं। एक फिल्म की शूटिंग के लिए पवन सिंह उन दिनों बिहार में थे। हर दिन की तरह पवन अपने घर से शूटिंग स्पॉट के लिए रवाना हुए। वैसे पवन जब बिहार में शूटिंग करते हैं तो वो अपने घर पर ही रुकना ज्यादा पसंद करते हैं, न कि होटल में। उस दिन वो घर से शूटिंग के लिए निकले अपनी फिल्म के सेट पर। शूटिंग खत्म की और घर के लिए फिर रवाना हुए, तभी रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें किडनैप कर लिया और एक दो दिन तक वो किडनैपर के चंगुल में ही रहे। बताया जाता है कि कोई जाति दुश्मनी के चलते और पैसे के लेन देन को लेकर पवन को किडनैप किया गया था। पवन को रैंसम मनी लेने के बाद, यानी कि फिरौती की रकम लेने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। ये थी पवन सिंह के जीवन से जुड़ी वो दो घटनाएं जिससे उनके फैंस बहुत कम ही अवगत हैं। लेकिन इन दोनों घटनाओं ने पवन सिंह को परिपक्व बना दिया। भोजपुरी जगत की अधिक से अधिक जानकारी के लिए और हॉट गॉसिप के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।